आप सभी लोगों ने राजदीप सरदेसाई का नाम सुना होगा और आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश की वरिष्ठ पत्रकार भी है, लेकिन समय समय पर इनकी आलोचना भी की जाती रही है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत का की मौत होती है और उसके बाद आपने देखा है कि इनके द्वारा रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया जाता है, उस समय भी इनकी काफी आलोचना की गई थी। या फिर आप देखिए किसान आंदोलन चल रहा था, 26 जनवरी को जो घटनाएं घटी उसके बाद आपने देखा है कि एक तस्वीर को इन्होंने शेयर किया हुआ था ट्विटर से कि पुलिस की गोली से फायरिंग में इस व्यक्ति की डेथ हुई। असल में उस व्यक्ति की डेथ हुई थी ट्रैक्टर एक तरह से पलटने से। उस समय भी आप देखिए इन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी और उस समय भी इन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। आप लोग देखेंगे जब संसद पर आतंकी हमला होता है तो इनके द्वारा जिस तरह से कहा गया, उसको आतंकी हमले को जिस तरह से इन्होंने बात की उस पर, उस समय भी इनकी आलोचना की गई थी। इन तीनों घटनाओं पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। राजदीप सरदेसाई के बारे में भी एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर आपको दिलचस्पी है इन्हें जानने की तो आपके पास काफी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई भी दे रहे होंगे, एक कौन है, राजदीप सर देसाई है और इनके इंटरव्यू भी आप लोग देखते रहते होंगे, काफी चर्चा में भी रहते हैं, सुर्खियां भी बटोरते रहते हैं। अगर हम लोग राजदीप सर देसाई के जन्म की बात करें तो आप देखेंगे 24 मई 1965 में इनका जन्म होता है, यानी कि आजादी के बाद भारत में इनका जन्म होता है। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है, यानी कि गुजरात में जहां से आप देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, इनका संबंध भी गुजरात से ही है। एक बार आप लोग गुजरात को देख लीजिए तो मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे तो यहां आपको गुजरात देखने को मिलेगा और गांधीनगर इसकी राजधानी है। और इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, और ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहां आप देखेंगे आप लोग अरब सागर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इनके पिता की बात करें, किनके पिता की, सर राजदीप सर देसाई के, तो इनके पिता का नाम दिलीप सर देसाई जो क्रिकेटर रहे हुए, और आपको बता दो राजदीप सर देसाई भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, ठीक है। इनकी माता की बात करें तो नंदिनी इनकी माता का नाम, और पत्नी की बात करें तो सागरिका घोष इनकी पत्नी का नाम है, और आपको बता दूं ये भी पत्रकार भी है इनकी पत्नी भी। और इनके अगर बच्चों की बात करें तो एक बेटा है ईशान और बेटी का नाम है तारिणी, ठीक है, इनके दो बच्चे हैं। अब बात आती है शिक्षा की तो आपको बता दूं काफी पढ़े लिखे भी है, मुंबई के कैंपियन स्कूल से शुरुआती शिक्षा लेते हैं, उसके बाद द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से अपनी शिक्षा लेते हैं। उसके बाद ये आगे की कॉलेज की शिक्षा की बात करें तो सेंट जेवियर्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक करते हैं, यानी कि डिग्री करते हैं। उसके बाद ऑक्सफोर्ड कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई करते हैं, तो इतने पढ़े लिखे भी है। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इनका काम क्या है, पत्रकारिता, यानी कि पत्रकार है। अब आती है सफर की बात, और हम लोग राजदीप सरदेसाई के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये पत्रकार है और इनका पत्रकारिता का कैसा सफर रहा है वो जरूर हमारे लिए मायने रखता है। तो राजदीप सरदेसाई की बात करें तो 1988 में टाइम्स ऑफ इंडिया में शामिल हो गए और फिर 6 साल तक उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया, और जिसके बाद उन्हें मुंबई के संस्करण के शहर संपादक बना दिया गया। तो इन्होंने अपना सफर, पत्रकारिता का सफर टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू किया हुआ था, ठीक है। फिर आप देखेंगे उन्होंने 1994 में एनडीटीवी में के राजनीतिक संपादक के रूप में टेलीविजन में पत्रकारिता में प्रवेश किया, और आप सभी जानते हैं एनडीटीवी को तो आप लोग जानते भी होंगे और रवीश कुमार को भी आप लोग जानते होंगे, उनके बारे में विस्तार से बात की हुई है, तो बायोग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं।
वह NDTV 24 यानी 24 इंटू यानी कि 7 यानी कि 24 घंटे सातों दिनों उपलब्ध और NDTV इंडिया दोनों के प्रबंध संपादक थे और दोनों के लिए समाचार नीति की देखरेख करते थे। उन्होंने NDTV पर द बिग फाइट जैसे लोकप्रिय शो भी की मेजबानी भी की हुई है, NDTV से भी जुड़े रहे एक तरह से। उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने 17 अप्रैल 2005 को अमेरिकी कंपनी CNN के सहयोग से अपनी खुद की कंपनी ग्लोबल ब्रॉडकास्ट न्यूज शुरू करने के लिए NDTV छोड़ दिया और बाद में CNBC के भारतीय संस्करण को CNBC TV 18 और हिंदी उपभोक्ता चैनल CNBC आवाज और एक अंतरराष्ट्रीय चैनल SAW कहा जाता है और 17 दिसंबर 2005 को ऑन द ईयर हुआ। ठीक है, तो अब इसमें एक काम करते रहे NDTV छोड़ने के बाद इन सभी से जुड़े रहे। फिर आप देखेंगे 1 जुलाई 2017 को CNN IVN के प्रधान संपादक राजदीप ने पूरी संस्थापक टीम संपादकीय और प्रबंधकीय किसान नेटवर्क 18 समूह से इस्तीफा दे दिया। कब की बात है? 2014 की बात है। न्यूज 18 आप लोग देखते ना, उसी की बात कर रही है। ठीक है, अब राजदीप सरदेसाई आज तक के सह चैनल इंडिया टुडे में प्रधान संपादक भी है और एंकर के तौर पर भी आप देखते हैं काम करते रहते हैं और अभी भी कई लोगों के इंटरव्यू भी करते रहते हैं। उन्हें इंटरव्यू के कारण ही काफी चर्चा में भी रहते हैं। इन्हें कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं। 2008 में आप देखेंगे भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2006 में आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ टीवी होस्ट के लिए ITA पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर के लिए उन्हें 2002 हो, 2004 हो या 2006 हो, इसमें इंडियन टेली अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2004 में आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर के लिए स्टार गिल्ड अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरह के कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं। अब आप देखिए विवाद भी काफी जुड़े रहे हैं इनसे और जैसा कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा रिया चक्रवर्ती की बात करते हैं। देखिए इन्होंने एक रिया चक्रवर्ती और आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद इनके द्वारा रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया जाता है और कहते हैं कि देखिए आलोचक कहते हैं कि एक तरह से कि इनका एक तरफा इंटरव्यू था। इन्हें जहां क्रॉस सवाल करना चाहिए थे, क्वेश्चंस करने चाहिए थे, वहां उन्होंने सवाल भी नहीं उठाए। और सुशांत सिंह राजपूत कौन थे आप सभी जानते हैं कि एक्टर थे बॉलीवुड के और आप लोगों ने देखा होगा उनके बारे में भी हम लोगों ने बायोग्राफी कवर की हुई है। अगर आपको उन्हें जानने की दिलचस्पी है तो बायोग्राफी के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या फिर आप देखिए कि जो भी चर्चा में व्यक्ति रहते हैं, राष्ट्रपति हों, सभी की बायोग्राफी कवर की जाती रहती है। ठीक है, राजदीप सरदेसाई को ट्रोल करने वालों का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभियुक्त रिया चक्रवर्ती के साथ ये इंटरव्यू बेहद एक तरफा था। ऐसे लोग लिख बोल रहे हैं कि रिया से राजपूत ने कड़े सवाल नहीं पूछे और अर्णव गोस्वामी समेत कई पत्रकार तो ये भी कह रहे थे कि जिन जवाबों पर क्रॉस क्वेश्चनिंग यानी कि सवाल करना चाहिए थे वहां भी राजदीप ने रिया से कुछ नहीं पूछा। अर्णव गोस्वामी खुलकर सुशांत की मौत को हत्या मान रहे थे और रिया को इसका कारण मान रहे थे और आपने देखा है किस तरह से चिल्ला भी रहे थे अर्णव गोस्वामी। जांच का निष्कर्ष सामने आए बिना गोस्वामी अपने रिपब्लिक टीवी के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या मानकर ही खबरें दिखा बता रहे थे और यही एक तरह से आप देखिए हमारे देश की विडंबना कह लीजिए, हमारे देश की पत्रकारों की एक नीचे गिरने की हद कह लीजिए कि देखिए जब तक आप देखिए किसी केस का निर्णय नहीं हो जाता, उसका फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसके पहले ही हम लोग उसे हत्यारा बता देते हैं या उसका रिजल्ट दे देते हैं। मुझे तो लगता है कभी कभी न्यायालय से ज्यादा ये न्यूज चैनल वाले उसे दोषी या निर्दोष ठहराने का काम करने लगे। आप देखिए कि कोई अगर व्यक्ति किसी केस में फंस जाता है, किसी केस में उसका नाम आ जाता है, तो आप देखिए कोर्ट क्या निर्णय देता है वो छोड़िए, न्यूज चैनल वाले जो रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, एक पहले ही उसका निर्णय कर चुके होते हैं कि ये दोषी है निर्दोष है। ठीक है, एक 26 जनवरी की घटना आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि 3 कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद 26 जनवरी को किसानों के द्वारा जो परेड की गई, अपने ट्रैक्टर निकाले गए
उसमें 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में एक प्रदर्शनकारी की मौत पर ट्वीट कर इन्होंने कहा था कि उनकी मौत पुलिस फायरिंग में हुई है। हालांकि पुलिस द्वारा घटना से संबंधित वीडियो जारी करने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया था और माफी भी मांग ली थी। फिर आप देखेंगे, आप सभी जानते हैं कि 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था और पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने संसद पर हुए हमले को आ ग्रेट डे, एक महान दिन कहा था। और सरदेसाई ने देश की संसद पर हुए हमले पर बात करते हुए कहा था कि कैसे वह संसद के बगीचे में पिकनिक मना रहे थे और जब आतंकी पार्लियामेंट पर हमला कर रहे थे, और या मनाने की एक तरह से आप देखिए कि रणनीति बना रहे थे कि कहां क्या करेंगे, किस तरह से पिकनिक मनाएंगे, तो उस समय भी इस इंटरव्यू को लेकर भी उनकी काफी आलोचना की गई थी। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग पत्रकार होते हैं या नेता होते हैं या कोई भी आप चर्चित व्यक्ति होते हैं तो आपके साथ आपके प्रशंसक भी होते हैं, आलोचक भी होते हैं, आप देखते हैं आपके साथ विवाद भी जुड़े रहते हैं, तो यही कहानी रहती है। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि पत्रकारों के, हमारे जो भी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी एक सीरीज चल रही है उनकी बायोग्राफी कवर करने की। अगर कोई छूट गया हो तो आप लोग बताइए, और वैसे सभी के बारे में कवर करेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़ा हो या विपक्ष के साथ जुड़ा हो, हमारा काम तो केवल उनकी बायोग्राफी कवर करना ही है। चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोग एंजॉय करते रहिए।